चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और सेमी की सब्जी रेसिपी। मेरे को तो बहुत ही पसंद है सेमी और आलू की सब्जी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। देखिए मैंने ली है कढ़ाई में तेल, तेल गर्म होने पर मैं इसमें डाल दे रही हूँ मिर्ची, प्याज, मैंने जीरा वगैरह का इस्तेमाल नहीं की है, आप चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं इसको हल्का भूनूंगी, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए ये अच्छे से हल्का भून जा गया है। अब मैं इसमें आलू को ऐड कर दे रही हूँ। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दें। जो सेमी है अलग अलग प्रकार का था, मैंने यहाँ बस ग्रीन वाला सेमी इस्तेमाल की है और अलग ग्रीन में ही भी एक छोटा साइज का आता है और अलग अलग साइज का रहता है इसका भी, और बहुत से प्रकार से भी सेमी होते हैं। देखिए आलू को हम लोग अच्छे से पहले भून लेंगे, आप चाहे तो आलू को पहले से अलग से फ्राई कर लें, वो भी उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। मैंने एक ही साथ में बनाई है यहाँ पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू, अच्छे से भुंजा गया है तब सेमी को। मैंने जो ज़्यादा बड़ा है उसको दो भाग में तोड़ दी है और उसको साइड साइड से छील लें, और जो छोटा है उसको हम लोग एक ही है तोड़े नहीं है। और आप बीच से चेक कर लें कि इसमें साफ है कि नहीं, कीड़ा वगैरह तो नहीं है। इसको बीच से हल्का फैला कर देखें, पूरा भी नहीं फोड़ना है सेमी को, नहीं तो पूरा अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार से इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हम लोग मिलाकर भूंजेंगे। देखिए आप अगर आलू को अलग से भूनते हैं तो सेमी भी अच्छे से भून जाता है, और साथ में भूनने से थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए सेमी हल्का भुंजा गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटा हुआ टमाटर, मैंने दो टमाटर यूज़ किए हैं। आप अपनी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से टमाटर डालें। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हम लोग मिला देंगे। मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, और हल्दी पाउडर। जब चम्मच की मदद से हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इस प्रकार से इसको अच्छे से हम लोग भूंज लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, देखिए बीच बीच में, और हल्का हम लोग इसको थोड़ी देर और भूंज लेंगे टमाटर और मसाला के साथ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। यहाँ पर मैंने 1 मग पानी इस्तेमाल की है। अब मैं इसे ढककर अच्छे से पका लेंगे हम लोग। देखिए मैंने थोड़ा देर बाद चेक की है, सब्जी अच्छे से उबल पक रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, हल्का सा चम्मच चला देंगे पहले। अब मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पत्ती कटा हुआ। और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए आलू सेमी की सब्जी अच्छे से पक कर रेडी है, और आप अपने हिसाब से सब्जियों में रसा रख सकते हैं। थोड़ा देर ढक कर रखने से रसा की क्वांटिटी और क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से सब्जियों में रसा रख सकते हैं। देखिए मैंने इस प्रकार से आलू और सेमी की सब्जी बनाई है। थैंक यू।